हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम 90। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या क्या नहीं करना चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जो ग्रहण के दौरान करने चाहिए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, दोनों ग्रहण के उपाय लगभग एक समान होते हैं और दोनों ही बुरे प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। न केवल शास्त्रीय दृष्टि से बल्कि विज्ञान भी ग्रहण के दुष्प्रभाव को मानता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान निकलने वाली दूषित किरणों से हानि पहुंचती है। गर्भवती महिलाएं इस दौरान सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव वायुमंडल में सबसे अधिक होता है। माना जाता है कि ग्रहण का असर पूरे 108 दिन तक रहता है, जिसका असर गर्भवती महिलाओं के होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। पहले हम बात करते हैं ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को क्या क्या नहीं करना चाहिए। नग्न आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, इससे होने वाले बच्चे की आंखों पर असर पड़ता है। इस दौरान बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिला ग्रहण देख लेती है तो उसका सीधा असर उसके होने वाले शिशु की शारीरिक और मानसिक सेहत पर पड़ता है। ग्रहण के दौरान खाना पीना भी नहीं चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान निकलने वाली हानिकारक किरणें खाद्य पदार्थों को दूषित कर देती हैं। नुकीली वस्तुओं का उपयोग ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए। माना जाता है नुकीली वस्तुओं जैसे चाकू, सुई आदि के प्रयोग से शिशु के अंग कट सकते हैं। साथ ही इस दौरान कैंची का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ताला और कुंडी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान लोहे की वस्तुओं का स्पर्श वर्जित माना जाता है। अपने बालों में क्लिप या साड़ी में सेफ्टी पिन भी नहीं लगानी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, ना ही अपशब्दों का प्रयोग करना चाहिए और ना ही किसी बच्चे को पीटना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना भी वर्जित बताया गया है, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत है, आपको परेशानी हो रही है, तो आप सो सकती हैं, क्योंकि उस समय आप बीमार की श्रेणी में आती हैं। ग्रहण के दौरान बच्चे, वृद्ध और बीमार पर यह नियम लागू नहीं होता है। भगवान की प्रतिमा को छूने से भी बचना चाहिए, पूजा भी नहीं करनी चाहिए। ग्रहण काल में मंदिर के दरवाजे बंद रखें। मंदिर में दरवाजा नहीं है तो साफ कपड़े से मंदिर को ढक दें। अब बात करते हैं ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए। ग्रहण काल से पहले बने हुए भोजन में तुलसी के पत्ते या कूसा डाल दें। इसी तरह पानी और दूध में भी तुलसी या कूसा दल डाल दें। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, इस वजह से इसके प्रयोग से ग्रहण की हानिकारक किरणों के प्रभाव को खत्म कर देती हैं। गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर ग्रहण शुरू होने से पहले तुलसी का लेप या घेरू का लेप लगाना चाहिए। इससे गर्भस्थ शिशु तक ग्रहण की हानिकारक किरणें नहीं पहुंचती हैं। ग्रहण काल में आपको अपने घर से बाहर निकलने से बचना है। ग्रहण के दौरान मंत्र उच्चारण करना चाहिए। आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ मंत्र जाप 1,00,000 गुना अधिक लाभ देता है। आपको मंत्र जाप घर के मंदिर से दूर करना चाहिए। गर्भवती महिला को स्नान जरूर करना चाहिए। ग्रहण काल से पहले और ग्रहण के बाद में गर्भवती महिला को स्नान अवश्य करना चाहिए और कपड़े बदल लेने चाहिए। ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें, जिससे घर की शुद्धि होती है। आप कपूर भी जला सकती हैं। कोशिश करें कि आप ग्रहण के बाद ताज़ा बना हुआ भोजन ही करें। इस तरीके से आप ग्रहण काल के दौरान सभी नियमों का पालन करती हैं तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। पूरे 9 महीने तक यदि एक माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल इतनी सावधानी से रख सकती है, तो ग्रहण काल के दौरान कुछ घंटे का उपाय करने में भी आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।